Good morning, dear friends. Today we will start with the stuff regarding to the distance meter breach and potentiometer. Whatever are the problems, what are the techniques related with that, that everything we will start to discuss. Okay, so first let us start with the setups, different setups which are used for the meter breach. So in meter breach, first setup you know. You will get a regular network. This network you are knowing beta. Four resistors and fifth one. And next one is the generator attached between the nodes. So this you are knowing R1, R2, R3, R4. One more is there, somewhere it is like a triangle and one part of the triangle, here they will attach the battery, are you getting my point? And it will be having resistors in this way, like this. I will show you how it comes. How many resistors are there? Four are there, and here they attach galvanometer. G. So A, B, C, D. Abhi dekho beta. These are the two resistors. If I'll take it that way, isko hata denge. To ye nikal diya. To ye dono idhar gaye galvanometer ke, aur ye dono idhar gaye. Aur unko bahar se battery hai. तो ये नेटवर्क कैसा बनेगा आपको दिखने के लिए दिखाता हूँ आपको. ये इधर जाएगा तो मतलब आपका सी यहाँ पे होगा, ऊपर होगा आपका बी, यहाँ होगा ए, बराबर. ये सी है, ये बी को भी कनेक्ट है, यहाँ पे ए को कनेक्ट है. ए से क्या हो रहा है आपका गैल्वेनेटर भी जा रहा है ए और बी के बीच में. आर गेटिंग माय पॉइंट? बाद में ए से आपका और भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, इसको नाम देते हैं अभी, पहले ये निकालते हैं बाद में उसको नाम देते हैं. वो डी को जा रहा है और डी को बी से भी एक रेजिस्टर आ रहा है और डी का निगेटिव और सी का पॉजिटिव. सी को आ रहा है पॉजिटिव और डी को आ रहा है निगेटिव. ये भी हो गया आपका नेटवर्क. तो टाइप वन बेटा, दिस इज योर टाइप वन, दिस इज योर टाइप टू. और एक आता है, यही जो मैंने बोला है इसको बोलते हैं टाइप थ्री. ये है टाइप थ्री, मतलब ये डायरेक्ट भी आपको देते हैं. सो आइदर दे मे गिव यू लाइक दिस और दे मे गिव यू लाइक दिस. दिस इज सेम एज दिस. सो और दे मे गिव यू लाइक दिस. तो वो आपको ये भी दे सकते हैं, ये नेटवर्क भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं. इसमें अभी आपको क्या करना है, आपको इसी को सबको ऐसे भी कर सकते हैं. आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम बना के दे सकते हैं. दे मे गिव यू अ डायग्राम फॉर द मीटर ब्रिज. एंड हियर दे मे गिव यू सम रेजिस्टर्स. हियर दे मे गिव यू सम रेजिस्टर्स R1 से यहां पे R2, यहां पे आपका पॉइंट रहेगा, यहां पे गैल्वेनेटर रहेगा और यहाँ पे आपका जॉकी रहेगा. फिर इसको बोलेंगे L, इसको बोलेंगे 100 माइनस L. तो ये भी सेम है. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो आपका R1 R2 है वो एक साइड को रखेंगे आप. इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे L. मतलब ये R नहीं है, उसका L निकालेंगे आप और इसको बोलेंगे 100 माइनस L. So which will be resistance proportional to balancing length. Resistance will be proportional to balancing length. यहाँ पे आपका G आ जाएगा और बाद में इसको लगाएंगे बैटरी से. तो ये भी यहाँ से, इसको यहाँ से और यहाँ से बैटरी लगेगी इसको. So these are the ways in which we have to perform the operations for the distance meter breach.
तो अभी हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, ये इसको नोट डाउन करके लो बेटा. सो टुडे आई विल मेक टू लेक्चर्स ऑफ 30-30 मिनट्स ईच, और इफ पॉसिबल आई विल मेक वन बिग लेक्चर. दिस विल बी ऑफ सम प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज. नेक्स्ट लेक्चर इट विल बी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर. छोटा छोटा वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला जो आपको दिया है वो कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे उसमें. सो डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिस, डू इट नाइसली. ओके, तो आज के आज करके करके भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा. सो ये नोट डाउन करके लो इसको. ओके, शैल वी गो फर्दर. प्रॉब्लम मैं लिख के देता हूं. लेफ्ट गैप में, लेफ्ट गैप में मैंने 200 ओहम का रेजिस्टेंस सेट किया है. लेफ्ट गैप में कितना है रेजिस्टेंस? 200. बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट वॉज फाउंड टू बी 45 सेंटीमीटर. बैलेंसिंग लेंथ वॉज फाउंड टू बी 45 सेंटीमीटर. सो वॉट विल बी अननोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप? क्वेश्चन लिख के लीजिए, मैं डिक्टेट करता हूं आपको, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिया है, किसी बुक से नहीं लिया. लिख के ले लो इसको, मैं डिक्टेट करता हूं. इन अ मीटर ब्रिज सेटअप अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओहम इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस वॉज कनेक्टेड इन द राइट गैप. इन अ डिस्टेंस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओहम वॉज कनेक्टेड in the left gap and unknown resistance was connected in the right gap. The balancing length from the left was found to be 45 centimeter. The balancing length from the left was found to be 45 centimeter at which galvanometer shows null deflection. At which galvanometer shown null deflection, find the value of unknown resistance in the right gap. Find the value of unknown resistance in the right gap. तो अभी हम सर्किट निकाल के लेते हैं. सर्किट कैसे आएगा वो देखते हैं. सर्किट आपका कैसे आएगा, लेफ्ट गैप बना के लेता हूँ एक फॉर सिंप्लिसिटी. सर्किट निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए, बाकी कुछ मीनिंग नहीं उसका. बाकी को समझाने के लिए खाली मैं सर्किट निकाल के लेता हूँ. यहाँ पे कितना डाला है ना बेटा, इसको बोलते हैं 200 ओहम. एकदम सिंपल है. यहाँ पे अननोन है, उसको एक्स बोलेंगे. यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग लेंथ लिया है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट. तो ये बन गया आपका 45 सेंटीमीटर. बाकी तो बैटरी को कनेक्ट किया, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बैटरी कितना भी हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस? तो ये आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, सिंपल. यहाँ पे उसको 200 बोलो, यहाँ पे एक्स बोलो. दैट विल बी सिमिलर टू यूर L1. एक्चुअली दैट इज नॉट रेजिस्टेंस बट दैट विल बी L2. L1 रेजिस्टेंस एंड L2 रेजिस्टेंस. ये आपका नेटवर्क बन जाएगा और गैल्वेनेटर ने डिफ्लेक्शन नल किया. तो आपका रेशो क्या बन जाएगा, दिस अपॉन दिस विल बी दिस अपॉन दिस. तो आपका जो रेशो पहले आपने बनाया था, द सेम रेशो वी विल यूज फॉर दैट. सो 200 अपॉन L1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस L1. तो आपका x कितना बन जाएगा, 200 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1. सो x विल बी 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L1. सो 100 माइनस 45
अपॉन 45। तो ये कितना बन जाएगा 200 इन 200 माइनस 45 55 अपॉन 45। 11 फाइव जा 55, 9 फाइव जा 45। ये आप कर सकते हैं 9 टू जा 18 22 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, आई एम नॉट गोइंग दैट 22, सो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 242 ओहम। सो वैल्यू ऑफ योर अननोन रेजिस्टेंस विल बी 242 ओहम। ओके, ये बन गया आपका टाइप वन। क्या बन गया ये आपका? दिस इज योर टाइप वन। नाउ व्हाट इज देयर फॉर टाइप टू? व्हाट इज देयर फॉर टाइप टू? दैट ऑल्सो वी मस्ट नो, दैट ऑल्सो वी मस्ट नो। टाइप टू में आपको क्या चाहिए? इसको पहले जस्ट नोट डाउन दिस सो दैट यू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, ठीक है, नाउ विल गो फॉर बिंग द नेक्स्ट। नाउ दे विल गिव यू, सपोज मैं ये भी आपको डायरेक्टली लिख के देता हूं, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, नोट डाउन प्रॉब्लम नंबर टू। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट when the resistance in the left gap was 400 and resistance in the right gap was 600 in a meter bridge experiment, when the resistance in the left gap was 400 ohm and resistance in the right gap was 600 ohm, balancing lengths were found to be, balancing lengths were found to be 40 centimeter and 60 centimeter. Balancing lengths were found to be 40 centimeter and 60 centimeter. Now, in a meter bridge experiment, resistance in the left gap is found to be 400 ohm and resistance in the right gap was 600 ohm and the balancing length was found to be 40 centimeter and 60 centimeter. Now, if resistance in the left gap is increased by 100 ohm, now if the resistance in the left gap is increased by 100 ohm, what will be the new balancing lengths? What will be the new balancing lengths? Matlab L1 dash question mark, L2 dash question mark. तो मैं फिर से बता देता हूँ, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट गैप में 400 था, राइट गैप में 600 ओम था, बैलेंसिंग लेंथ क्या था 40 एंड 60 सेंटीमीटर था। अभी क्या किया? अभी ये जो 400 ओम है उसको 100 ओम से इंक्रीज किया, मतलब वो कितना हो गया 500 ओम। R1 डैश कितना हो गया 500 ओम हो गया। अगर ये 500 ओम है, R2 तो चेंज नहीं किया, R2 तो उतना ही रहेगा, तो आपका L1 डैश एंड L2 डैश कितना चलेगा, कितना रहेगा वो पूछ रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देखो पहले R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ओके, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है? R1 अपॉन R2 कितना है? 400 अपॉन 600, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3। सो अपना L1 अपॉन L2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये पहले केस में था, लेकिन अभी क्या किया मैंने, इसको 500 किया, तो अभी ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन 600, मतलब ये कितना हो जाएगा
एल वन डैश अपॉन एल टू डैश, ये कितना बनेगा 5/6। लेकिन आपको उसका वैल्यू निकालना चाहिए, तो एल वन डैश अपॉन एल टू डैश इज 5/6, बट एल वन डैश प्लस एल टू डैश विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आप एल वन डैश को कितना लिख सकते हैं 5/6 एल टू डैश, तो एल वन डैश के बजाय आप लिख सकते हो 5/6 एल टू डैश प्लस एल टू डैश इज इक्वल टू 100। तो इसमें से एल टू डैश कॉमन निकालते हैं, एल टू डैश इंटू 5/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, एल टू डैश इज इक्वल टू 11/6, सॉरी एल टू डैश इंटू 11/6 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर एल टू डैश विल बी, ये इसको 600 करते हैं बाई 11, 11 फाइव जो 55, 5 रिमेनिंग, 11 फोर जो 44, 11 फाइव जो 55, सो 54.5। देयरफॉर एल वन डैश कितना बन जाएगा, 100 माइनस 54.5 दैट विल बी 46 ना 45.5 हो जाएगा। तो एल वन डैश कितना मिल गया 45.5 सेंटीमीटर मिल गया, एंड एल टू डैश कितना मिल गया 54.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। आर गेटिंग माय पॉइंट, ये मैंने आपको दो प्रॉब्लम दिखाया है, और भी प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है, इसको बना के ले लो, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है खाली आपको समझने के लिए, और इसके ऊपर डिपेंड अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। ये है आपको टाइप टू, खाली आप क्या करो, मैंने जो आपको डिक्टेट किया है वो नोटबुक में आप लिख के ले लो प्रॉब्लम, इसके बाद के प्रॉब्लम आपको मैंने रेडी किया है पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ में भेजा हूँ, उसमें से करवाएंगे प्रॉब्लम। आर गेटिंग माय पॉइंट, सो बी रेडी फॉर दैट, इसको बना के ले लो, ठीक है, हटाओ इसको, ओके फाइन। नाउ यू सी योर पीडीएफ, ओपन योर पीडीएफ, उसमें से एक मिनट, वन वन नाइन क्वेश्चन निकालो आप, फाइंड द क्वेश्चन 119 इन योर पीडीएफ। ये क्या मीटर ब्रिज के ऊपर है, ऐसा ही नहीं कुछ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, 119 मत करो, हाँ 10A करो, 10A, सॉरी 10A करो, सेकंड वाले पेज पे देखो, सॉल्व करके दिए उधर, लेकिन आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ। इन अ मीटर ब्रिज फिगर्स द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए, आपको डायग्राम दिया है, डायग्राम निकाल के देता हूँ फटाफट, आपको ये बैलेंसिंग पॉइंट दिया है L1, ये दिया है 100 माइनस L1, यहाँ पे आपको दिया है X और यहाँ पे दिया है आपको Y। आपके पास ये फिगर है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको एक्यूरेटली मतलब एकदम बड़ा वाला वगैरह नहीं निकाला है, यू कैन सी दैट फिगर, ओके। बैलेंसिंग लेंथ वॉज फाउंड टू बी 39.5, तो L1 को लिखते हैं 39.5 सेंटीमीटर। When the resistor Y is of 12.5 ohm, so Y is equal to 12.5 ohm. Determine the resistance of X. X is equal to question mark. Why are the connections between the resistors in a resistance meter bridge made of thick copper strips? Okay, so iska to answer aapko diya hai udhar.
हाँ, तो कॉपर मतलब वो कंडक्टर है, ओके, तो कंडक्टर को उनका क्या हो जाएगा, खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। और उसके बाद में क्या पूछा है आपको, बाद में पूछा है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, ठीक है, भी करते हैं। तो पहले क्या निकालना है, नंबर वन फाइंड एक्स, तो कैसा बन जाएगा, एक्स अपॉन एल वन विल बी वाई अपॉन 100 माइनस एल वन, देयरफॉर एक्स विल बी y into L1 upon 100 minus L1. So x कितना बन जाएगा बेटा? y कितना दिया है? 12.5 into 39.5 upon 100 minus 39.5. से थोड़ा approximation आपको करना पड़ेगा, कितना होता है देखना पड़ेगा, 12.5, 39.5, इसको approximately हम 40 लेते हैं और इसको भी 40 लेते हैं। बाद में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लिया तो भी आ सकता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। 39.5 100 में से 39.5 चला गया, ओके, तो ये बन जाएगा 61.5, है ना, 60.5, बिकॉज 100 माइनस 40 बन जाता है 60, लेकिन ये इधर 0.5 कम सब्ट्रैक्ट किया तो इधर एडिशनल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 12.5, तो अभी है कितना हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको बोल सकते 395 अपॉन 605, इसको 5 से वगैरह डिवाइड करो, तो मैं तो क्या करता हूँ, इसको अप्रोक्सीमेशन किया, इसको 400 किया और इसको 600 किया, इसको 600 नहीं 610 करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, इसको ये किया है ना, इसको भी बढ़ाया ना, तो 40/60 4 बाय 6 है, 2 बाय 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4.16 इंटू 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 8.32, तो ये आ जाएगा 39.5 अपॉन 60.5, तो मेरा आ रहा है 8.32, आप देखो अप्रॉक्सीमेटली वो उधर कितना दिया है, देखो उसका आप कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ अभी आपको क्या दिया है, इफ द वैल्यूज आर इंटरचेंज, इधर तक आप करो, इसके बाद आप अपना जो आ रहा है आंसर, यू गो विथ यूर आंसर। नाउ वॉट विल हैपन आफ्टरवर्ड, दे आर आस्किंग इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, देखो अभी x and y को इंटरचेंज अगर किया है तो क्या हो जाए, तो बेटा इफ x and y आर इंटरचेंज तो क्या बन जाएगा अपना, ये जो है इसको y बोलने का भी और ये जो है इसको x बोलने का, तो आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, y upon l1 will be x upon 100 minus l1, अभी करो आप, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ ये नहीं है, y का वैल्यू डालो, दिया है आपको l1 दिया है, x अभी आपने निकाला है, नहीं तो x कैलकुलेट रखो आप, ऐसा कुछ नहीं, बैलेंसिंग लिंक पूछा है, y और x का वैल्यू डालो तो आपको 100 माइनस l1 कुछ भी नहीं हो जाएगा, बैलेंसिंग लिंक शिफ्ट हो जाएगा, जो y आपका इधर है तो l1 आपका जो 39.5 था वो भी कितना बन जाएगा 60.5 इधर बन जाएगा, और ये इतना इधर कितना बन जाएगा 39.5, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑन मीटर ब्रिज। तो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए, और उसके बाद आई विल मेक अनदर वीडियो, ओके, वन मोर वीडियो आई विल प्रिपेयर फॉर दैट एवरीथिंग एंड द सेम शीट, सो टुडे यू विल गेट टू वीडियोज, आप क्या करो एकदम लास्ट को आपको एक प्रॉब्लम आएगा वो पहले देखो, ओके, लास्ट पेज आपका बन जाएगा प्रॉब्लम नंबर 4, वेट फॉर अ व्हाइल, आपका बन जाएगा प्रॉब्लम नंबर 4 आपका पीडीएफ में लास्ट क्वेश्चन,
उसका नंबर क्या है देखता हूं मैं, नंबर है एग्जाम्पल 19.18। एग्जाम्पल 19.18 में क्या दिया है आपको, अ पोटेंशियोमीटर वायर। तो आप बोलोगे अरे पोटेंशियोमीटर का दे रहा है और उसमें सर गैलोमीटर दिया है और ये सब दिया है, दिखाता हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन एसी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर नो डिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, फाइंड आर, फाइंड आर, एकदम सिंपल है। सो व्हेन AC is equal to 40 centimeter, G deflection is equal to 0. मतलब ये बैलेंस पॉइंट है, तो मिल गया आपने को, एकदम सिंपल है, करने का भी जरूरत नहीं है, दिखाने का भी जरूरत नहीं है, बट एज एज माई ड्यूटी इज देयर आई मस्ट शो यू। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अपॉन AC विल बी इक्वल टू R अपॉन BC। अभी AC कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, AC कितना है 40 सेंटीमीटर दिया है ना बेटा, मैं भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है मुझे, या 40 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। तो ये अपना आपका 40 सेंटीमीटर, अब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, BC विल बी 100 माइनस 40 दैट इज 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अभी क्या बताएंगे, 10 अपॉन 40 इज इक्वल टू R अपॉन 60। So, जीरो को जीरो ने काटा, सो आर विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, आर विल बिकम 15 ओम। सो वैल्यू ऑफ आर इज 15 ओम विच यू आर गेटिंग। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द डिस्टेंस मीटर ब्रीच। अगले वाले प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आगे वाले लेक्चर में, तो आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर के कुछ प्रॉब्लम, कुछ MCQs भी देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो फॉर दिस वीडियो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ अगेन ऑफ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स अ लॉट।